सिंपली आई बटन ओपन करेंगे और बुक पे जाएंगे, प्लेसेबल आइटम, और हम एक ये बना देते हैं अपनी, ठीक है। यहाँ बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं इसको ये बटन दबा के प्रेस कर देता हूँ, दो बना लेते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में, ठीक है, या फिर तीन ही बना लें, ठीक है। तो हमने तीन बना ली, अब इन तीनों पे लकड़ियाँ ला के डालते हैं। ये बेसिकली हमें प्लैंक बना के देंगी, ठीक है, और प्लैंक से बनेंगे फट्टे, जो फट्टे बोलते हैं ना, और बेस बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो। एक बन गई और एक इसमें मैं प्लेस कर देता हूँ, एक इसको यहाँ लग देते हैं। देखो इसने अपना काम करना शुरू भी कर दिया। और ये आपने अगर रैंप सिमुलेटर खेली होगी तो रैंप सिमुलेटर में भी ये यही तकनीक और यही मशीन थी। तो ये मैप भी मेरे को तकरीबन तकरीबन रैंप सिमुलेटर जैसा ही लग रहा है, लेकिन रेंज सिमुलेटर के अंदर थोड़े से पहाड़ वगैरह कुछ ज़्यादा बड़े थे, इसमें थोड़े कम है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कुछ अलग दिया हुआ है। यहाँ पे इसको भी डाल देते हैं। लेके चलो इनको। एक पत्थर पड़ा है, मैं ले लेता हूँ इसको, ग्रैब कर लेते हैं पत्थर को और यहाँ से काटते हैं। तो वेल गाइस, तब तक मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आग के लिए कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं, वरना यहाँ पे बारिश हमेशा होती रहती है और बिना आग के हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी हम खाना पीना लेके आएंगे उसको पकाने के लिए तो चाहिए। बेसिकली मैं इन्वेंट्री ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे बुक पे गया और यहाँ पे अदर्स में गए। अदर्स में जाने के बाद हम एक ये बिल्ड कर लेते हैं यहाँ पे, बेसिकली हम इसमें इसको यहीं पे लगा लेते हैं एकदम पास में, ठीक है। मैं यहाँ पे ये बिल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। और एक इसके अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंप फायर बनाएंगे यहाँ पे। कैंप फायर बनाने के लिए यहाँ पे गए, प्लेसेबल आइटम, अदर नहीं, फूड, एक मिनट, प्लेसेबल आइटम, और यहाँ पे कैंप फायर कहाँ गया, नहीं इसमें, हाँ ये रहा। वेल गाइस, ये हम यहाँ पे कैंप फायर प्लेस कर लेते हैं। वेल तो हमने इतना कर लिया, अब इनको बनाने के लिए वही है, लकड़ियाँ चाहिए, तो लाते हैं लकड़ियाँ काट काट के, और क्या करेंगे। ये शायद बन जाना चाहिए इतने में, तो नहीं बना, और चाहिए आराम के पिल्ले को। चलो वेल बन गया, और यहाँ पे एक यहाँ रख देते हैं, एक यहाँ डालते हैं, और इसको क्या करते हैं बेसिकली हार्वेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और इसको पत्थर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पत्थर की एक्स वो बनानी पड़ेगी, उसके लिए मेरे को पत्थर चाहिए, पत्थर ढूंढना पड़ेगा वापस से, लकड़ियाँ और एक और लकड़ी, एक पत्थर, ठीक है। पत्थर की मुझे एक ब्लेड बनानी पड़ेगी, और पत्थर की, एक और पत्थर पड़ा हुआ है यहाँ पे। चलो वेल, एक और पत्थर है यहाँ पे, और आई बटन मैंने प्रेस किया, यहाँ पे गए क्राफ्टिंग टेबल पे, गए एक ब्लेड बना लेते हैं। वेल ये हमारी ब्लेड बन चुकी है, और यहाँ पे सिंगल स्टिक, और यहाँ पे फाइबर कितने लगने हैं, हाफ करूँ इसके, हाफ करता हूँ इसको भी, और दो लगेंगे मेरे ख्याल से, यस। वेल मैंने पत्थर काटने के लिए ये बना ली, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये पत्थर तोड़ेगी बेसिकली, तो चलिए पत्थर तोड़ते हैं इससे। तोड़ लिए हमने यहाँ पे, मेरे को एक बक्सा बनाना पड़ेगा ताकि मैं अपने आइटमों को सही से रख सकूं, अरेंज कर सकूं, क्योंकि इवेंट्री अगर हम अरेंज नहीं रखेंगे सारी भसड़ मची रहेगी। ये देखिए मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला, अभी मैंने कुछ ज़्यादा उठा लिया, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा उठा लिया, इसीलिए मेरा प्लेयर धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा ही धीरे चलना है। और आप इस तरह से ना करें, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ही सामान उठाना है यहाँ पे। और मैं पहले एक फटाफट
चेस्ट क्रैप कर लेता हूँ यहाँ पे, हम यहाँ पे डाल देते हैं बस। यहाँ पे एक काम करते हैं, आई बटन मैंने ओपन किया, हम जाएंगे यहाँ पे स्टोरेज में, कहाँ गया स्टोरेज, स्टोरेज स्टोरेज प्लेसेबल आइटम एंड स्टोरेज, स्टोरेज में जाके हम ये बना सकते हैं यहाँ पे। अभी फिलहाल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दो बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और अब इसके लिए चाहिए हमें प्लैंक, जो कि मैंने यहाँ पे प्लैंक ऑलरेडी ले रखे थे यहाँ पे। क्या बात है, मेरी इवेंट जो पत्थर है ना मेरे पास, इन पत्थरों को फेंक देते हैं अभी फिलहाल के लिए, पत्थरों को फेंक देते हैं, ये बाद में काम आएंगे, ठीक है। इसको भी फेंक देते हैं, यस कंफर्म, और यस अब हम यहाँ से उठा लेते हैं। रूम इज द, अभी भी नहीं है, अब क्या रह गया मेरे पास, इसको भी फेंक देते हैं यहाँ से कंफर्म कंफर्म। ठीक है, अब आ जानी चाहिए मेरे ख्याल से, फिर अब आ गई, और यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। इतना यहाँ थोड़े से और प्लैंक लेंगे, यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे स्टोन, क्योंकि हम याद रख सकें, मे बी स्टोन की स्पेलिंग यही होती होगी, डबल ई कहाँ हो रहा है। वेल ठीक है, और ये जो पत्थर होता है हम इनको सबको कलेक्ट कर लेते हैं फटाफट, और इसको ओपन करते हैं, यहाँ डालते हैं फटाफट। बेसिकली हमने अपने क्राफ्टिंग, सॉरी इसके अंदर चेस्ट के अंदर स्टोन डाल दिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या पंगा रह गया था देखते हैं एक बार, इसके अंदर स्टोन तो नहीं चाहिए, हाँ शायद लकड़ी चाहिए, फिर से एक बार लकड़ी लकड़ी लानी पड़ेगी, रुको मैं लेके आता हूँ गाइस लकड़ियाँ, छोटी वाली नहीं मेरे को, बड़े वो चाहिए प्लैंक, बड़े सॉरी बड़े लोग चाहिए, प्लैंक नहीं। तो पे इन पे एक एक डाल देते हैं यहाँ पे, एक इस पे डाल देते हैं, और दो को मैं यहाँ पे फेंकता हूँ, और यहाँ पे इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं, चलिए अपना बन के तैयार है। और इसको भी मैं एक बार यहाँ पे हार्वेस्ट कर लेते, अब ऐसा ले मेंढक मारा जाएगा फोकट, ये भाग जाए यहाँ से। तो मैं यहाँ से थोड़े से और लोग ले लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आग जला देते हैं पहले, तो सबसे पहले तेरे को क्या हुआ बे, लाइटर लाओ। वेल गाइस हमने आग जला दी यहाँ पे, ठीक है। और मेरे पास ये सारी यहाँ पे स्टिक पड़ी, मैं स्टिक ले लेता हूँ इनको, स्टिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टिक स्टैंड बना लेते हैं फिलहाल, स्टोर में सेवल आइटम एंड स्टोरेज, स्टोरेज में फायर ये नहीं, स्टिक मेरे ख्याल से इन दोनों में से एक होगी, और प्लैंक, ये प्लैंक के लिए, ये फायर स्टोन के लिए है, और ये लॉक के लिए है, और ये है स्टिक के लिए मे बी आई थिंक, यहाँ पर रख देते हैं इसको, ऊपर करते हैं, ये हमने इतनी यहाँ पे स्टिक रख ली, ठीक है। और अब हम यहाँ पे पत्थर हैं, तो हमें क्या करना है, इसको एन बटन दबाता हूँ मैं, यहाँ से पत्थर के पास लेके जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हम सिंपली प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, और पत्थर तोड़ते हैं, और रात होने से पहले हमें अपना एक बेस भी तैयार करना है, क्योंकि अगर रात हो गई तो हम फिर यहाँ पे कुछ भी कद्दू भी नहीं उखाड़ पाएंगे। चलो बेस बनाने की तैयारी में लग जाते हैं, इसको ओपन करते हैं यहाँ पे, रखते हैं इसको। वेल तो इसको हम बाद में उठा लेंगे यहाँ से, और सबसे पहले अभी बेस बना लें कि इस तैयारी कर लेते हैं। बेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, और सबसे पहले यहाँ पे